मैं सिद्धार्थ प्रभाकर, आ जाइए फटाफट जुड़िए। जो होता लाइव क्लास से स्टूडेंट्स, जो होता क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता टॉपिक होगा स्टूडेंट ए, क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनेशन। जो बच्चे जो होता है स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे या फिर जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट जो होता है कि पॉलिनेशन जो टॉपिक है स्टूडेंट जो होता है मैक्सिमम क्वेश्चन इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाते हैं और आपके लिए एक एक क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो होता है कि आपको अगर MBBS में स्टूडेंट जो होता है सिलेक्शन पाना है तो आपको क्या करना होगा, किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। NCERT की हर एक लाइन को आप पढ़िए, NCERT की हर एक लाइन को पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए आइए देखते हैं स्टूडेंट जो होता है कि फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। आज का टॉपिक क्या है स्टूडेंट, हम लोगों का पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पॉलिनेशन क्या होगा, कह रहा है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन जो होता है स्टूडेंट, पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर कराया जाता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। ठीक, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। इसे आप क्या कहते हैं स्टूडेंट, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो पॉलिनेशन जो होता है 2 टाइप्स का होता है। एक पॉलिनेशन आपको मिलेगा जिसको आप कहते हैं सेल पॉलिनेशन। क्या मिलेगा, सेल पॉलिनेशन मिलता है। एक क्या मिलेगा स्टूडेंट आपको, क्रॉस पॉलिनेशन मिलता है। क्लास टेंथ में बच्चे भी आप इसे देख सकते हैं, क्लास टेंथ के जो बच्चे हैं, क्योंकि क्लास टेंथ में भी आपको पॉलिनेशन पढ़ने को मिलता है। ठीक, तो पॉलिनेशन इज ए 2 टाइप्स, 2 तरह का पॉलिनेशन होता है। फर्स्ट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज अ सेल पॉलिनेशन। 2 तरह का पॉलिनेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। पॉलिनेशन का मैंने आपको स्टूडेंट जो होता है डिफिनेशन बता दिया, ये हर एक बच्चे को डिफिनेशन पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन किसे आप कर रहे हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि NCERT का लाइन है, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पॉलेंस। ठीक है, पॉलिनेशन जो होता है 3 टाइप्स होगा। पॉलिनेशन कितने तरह का होता है स्टूडेंट, 3 तरह का पॉलिनेशन आपको टाइप में पढ़ाया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन है स्टूडेंट, तो सेल पॉलिनेशन का ही जो होता है स्टूडेंट, जो ऑटोगैमी देखते हैं आपका सेल पॉलिनेशन में आता है। किसमें आता है, सेल पॉलिनेशन में होता है। मेन जो टाइप आप पढ़ते हैं सेल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ते हैं, जिसमें से सेल पॉलिनेशन में ही आप पढ़ते हैं ऑटोगैमी। क्या पढ़ते हैं, ऑटोगैमी स्टूडेंट। ठीक है, ऑटोगैमी का मतलब क्या है, सेल पॉलिनेशन। देखिए करा, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। स्टूडेंट देखिए क्या है कि ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ऑटोगैमी में क्या हो रहा। ऑटोगैमी में होता कुछ नहीं है। ऑटोगैमी में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सेम फ्लावर। ठीक है स्टूडेंट, क्या होगा, सेम फ्लावर होगा, यानी कि एक ही फ्लावर में होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट की एक फ्लावर है, जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा ड्रा कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो होता है स्टूडेंट, ऐसे मैं ड्रा कर दे रहा हूँ। ठीक, ये देखिए ये जो होता है स्टूडेंट क्या है कि ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से बना दे रहा हूँ, ये स्टिग्मा हो गया, अगर इसे स्टिग्मा ले लीजिए। ठीक, और इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जो होता है कि पॉलन ग्रेन लगे रहते, इसी का पॉलन ग्रेन जो होता है कि इसके स्टिग्मा पे जा रहा, सेम फ्लावर होगा, तो उसे आप क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। ऑटोगैमी पॉलिनेशन में क्या होता है, फ्लावर सेम होना चाहिए, ये पॉइंट आपको डिनोट कर लीजिएगा। करा, इन फ्लावर विथ एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट द ऑटोगैमी इज रेयर। स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो आप देखते हैं कि ऑटोगैमी पॉलिनेशन पढ़ाया जाता है, तो ये काफ़ी रेयर आपको देखने को मिलेगा, और ये जो होता है जल्दी कंप्लीट भी आपका नहीं होता है। एक्सपोज देखिएगा, फ्लावर विथ एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, इसमें क्या होता है, एक्सपोज होता है। ठीक है, करा, ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। स्टूडेंट देखिए क्या, यहाँ पे एक टर्म NCERT का जिसको आप कहते हैं सिंक्रोनी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंक्रोनी। सिंक्रोनी का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि आप देख रहे हैं ऑटोगैमी पॉलिनेशन तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब क्या होगा, पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन है स्टूडेंट, प्लस जो होता है कि यानी आप कह सकते हैं कि जो एंथर होगा और जो स्टिग्मा होगा दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे। जब दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे स्टूडेंट, तब जाकर के जो होता है स्टूडेंट, ये पॉलिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नहीं तो क्या, रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है, और इस दोनों जो होता है सेम टाइम में मैचुरेशन देखने को मिलेगा, उसको आप क्या कहते हैं, सिंक्रोनी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंक्रोनी कहते हैं। ठीक है,
ऑल्सो एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर। एस्टिमेट क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ये पॉइंट डिनोट कर लीजिएगा आप कि ऑटोगैमी में जो एंथर होता है, जो स्टिग्मा होगा स्टूडेंट, क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही नज़दीक, बहुत ही पास पास होंगे। क्यों? क्योंकि तुरंत क्या होगा कि पॉलन ग्रेन जो स्टूडेंट जो निकलेगा एंथर से, वो तुरंत क्या करेगा, स्टिग्मा पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या किया नेचर ने, इन्हें जो होता है काफ़ी क्लोज रखता है। ठीक है, क्लोज टू ईच अदर। प्लांट लाइक एग्जांपल स्टूडेंट आपको बताया जा रहा है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एग्जांपल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए बियोला आपका है, जिससे आप जो होता है कॉमन जो होता है पैंसी कहते हैं, ऑक्जेलिस हो गया, और आपका क्या है कॉमेलिना है। ठीक है, कॉमेलिना ऑक्जेलिस, ठीक है व्योला, ये तीन ऐसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट जिसमें क्या है कि आपको जो होता है ऑटोगैमी कंडीशन देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या है कि जो आप देख रहे हैं ऑटोगैमी कंडीशंस तो है, लेकिन क्या है स्टूडेंट कि ये इसमें जो होता है दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, यानी कि जो वियोला आप देखेंगे, ऑक्जेलिस देखेंगे, और जो होता है कॉमेलिना देखेंगे, इनमें क्या होता है दो तरह का फ्लावर्स होता है स्टूडेंट। बच्चे ये जो आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होता है, इसमें बच्चे क्या काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। मैं आज आपके माइंड में पूरी तरह से सेट कर दूंगा, दोनों में मेजर डिफरेंस देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑटोगैमी आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक स्टूडेंट, नेक्स्ट आइए देखिए, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। देखिए स्टूडेंट क्या है, वियोला हो गया आपका, ऑक्जेलिस हो गया, कॉमेलिना हो गया, इसमें देख रहे हैं कि स्टूडेंट क्या होता है दो तरह का जो होता है फ्लावर्स होता है। फर्स्ट जो फ्लावर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्मोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। सेकेंड जो फ्लावर्स होता है उसको क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। कैस्मोगैमस फ्लावर्स और जो होता है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, दो तरह का फ्लावर्स होता है स्टूडेंट, आपको एक ही प्लांट्स में दो तरह का फ्लावर देखने को मिलेंगे। देखिए कैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होता है, कह रहा है कि दे आर सिमिलर टू द फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा। लेकिन क्लिस्टोगैमस में देखिएगा, दे डू नॉट ओपन। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट क्या है कि ये क्लोज होता है। जो आप क्लिस्टोगैमस फ्लावर देखेंगे क्या होगा आपका, क्लोज होता है, और जो कैस्मोगैमस देखते हैं आपका क्या होता है स्टूडेंट, ओपन होता है। दे डू नॉट ओपन एट ऑल, एंथर स्टिग्मा लाइज क्लोज टू इच अदर। ठीक है, अब देखेंगे क्या है कि जब आपका क्लोज रहेगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होता है क्लोज होता है, उसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट, स्टिग्मा। ठीक है, और एंथर भी होगा, लेकिन कैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होता है स्टूडेंट, एक्सपोज होता है। ठीक है, एंथर और जो स्टिग्मा आप देखेंगे वो आपको बाहर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, फ्लावर्स ओपन होता है स्टूडेंट। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, देखिए कैस्मोगैमस फ्लावर और क्रिस्टोगैमस फ्लावर्स, ये दोनों का जो होता है स्टूडेंट एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल में आपको फिर से दिखा दे रहा हूं, देखिए ये आपका मेन एग्जाम्पल है। ठीक है, वियोला हो गया आपका, जिसको आप जो होता है कॉमन पैंसी कह रहे हैं, ऑक्जेलिस हो गया आपका, कॉमेलिना हो गया स्टूडेंट, ये तीनों आपको रट लीजिएगा। तीनों स्टूडेंट जो होता है एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर्स और जो होता है क्रिस्टोगैमस फ्लावर्स, दोनों जो होता है फ्लावर्स, इन दोनों में, इन सब में एग्जाम्पल्स जो आप देख रहे हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा। इस डायग्राम को देखिएगा स्टूडेंट, एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखिए कैस्मोगैमस फ्लावर्स, ठीक, कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो होता है स्टूडेंट, ये क्या है, अपर साइड्स है, यानी कह सकते हैं जो होता है स्टूडेंट क्या होगा, ये आपका ओपन है, क्या है आपका, ओपन होगा। जबकि क्रिस्टोगैमस देख रहे हैं आपका अंडरग्राउंड होता है, और ये आपका क्लोज होता है, क्या होता है आपका, ये क्लोज होता है। ठीक, तो क्रिस्टोगैमस फ्लावर क्लोज होगा, और जो होता है कैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होता है स्टूडेंट, आपका ओपन होता है। ठीक है, एनसीईआरटी का इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिएगा, कैस्मोगैमस में क्या बताया जा रहा है आपको, ओपन होगा, और क्रिस्टोगैमस में क्या बताया जा रहा है, क्लोज होता है। देखिए कह रहा कि दे आर जो होता है ऑटोगैमस। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो आप देख रहे हैं कैस्मोगैमस है, क्लिस्टोगैमस है, ये दोनों एग्जांपल्स यानी फ्लावर्स होता है ऑटोगैमस में आप देखने को मिलते हैं। किसे मिलते हैं? ऑटोगैमस में। और ऑटोगैमस किसका बताया जा रहा है आपको, आपको बताया जा रहा है सेल्फ पॉलिनेशन में। क्या बताया जा रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन में। देखिए क्या कह रहा है कि वेन एंथर जो होता है डेसेंस इन फ्लावर्स बर्ड्स पॉलन ग्रेन्स कम इन कंटेक्ट विद स्टिग्मा फॉर पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जब एंथर से डेसेंस होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है पॉलन ग्रेन्स होता है कि डेसेंस, आपको पता होगा डेसेंस में क्या होता है कि जो एंथर होता है स्टूडेंट, जो एंथर आप देखते हैं तो एंथर की वाल जो होता है ब्रेक होती है, और बाहर जो होता है कि पॉलन ग्रेन निकलते हैं, इसी मैकेनिज्म्स को आप क्या कहते हैं, डेसेंस कर रहे हैं। ठीक है, डेसेंस होगा, पॉलन ग्रेन बाहर आएगा और कम इन कंटेंट भी थे स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा पे जाएगा किसके लिए, फॉर पॉलिनेशन, तब जाकर क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। क्रिस्टोगैमस फ्लावर्स होता है प्रोड्यूस करता एश्योर सीड सेट वेल इवन इन द एब्सेंस ऑफ जो होता है पॉलिनेटर। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे,
ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लिस्टोगैमस में आप देखिए क्या है कि पॉलिनेटर्स होता है स्टूडेंट अब्सेंट होते हैं। पॉलिनेटर क्या होता है, जो पॉलिनेशन कराते हैं उसे हम पॉलिनेटर कह रहे हैं, और ये क्या होता है स्टूडेंट इसमें अब्सेंट होता है। जबकि देखिए क्या, क्लिस्टोगैमस लीड्स टू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होता है स्टूडेंट इसमें, इनब्रीडिंग डिप्रेशंस कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लिस्टोगैमस में एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट, एनसीईआरटी की लाइन को आप देखिए, एनसीईआरटी बुक की जो होता हल्के मत लीजिए, एनसीईआरटी बुक आपका पतला जरूर है, लेकिन बड़े बड़े जो होता है जो सिविल की तैयारी करते हैं, जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, वो भी जो होता है एनसीईआरटी के बुक को जरूर पढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो एनसीईआरटी की जो बुक होती है काफ़ी ज़्यादा आपके नीट में हेल्पफुल होगी, प्लस आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा सीबीएसई जो कंडक्ट कराती है, ठीक इसमें, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए। किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके तुरंत मुझे बताइए स्टूडेंट, इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्या नेक्स्ट है आपका, क्या है, जिटेनोगैमी, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी, तीनों स्टूडेंट कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो ऑटोगैमी होता है, ठीक है, ए फॉर ऑटोगैमी, जो आपका जी फॉर जिटेनोगैमी, जो ऑटोगैमी जिनेटोगैमी होता है, ठीक है, ये दोनों जो होता है स्टूडेंट किस में आते हैं, ये दोनों आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में, किस में आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में। जबकि आपका ये, ठीक है, जीनोगैमी जो आप देख रहे हैं ये आपका किस में आता है, क्रॉस पॉलिनेशन में आता है, किस में आता है, क्रॉस पॉलिनेशन में आता है। चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं, फिर कह रहा है कि देखिए क्या, जिटेनोगैमी में कह रहा है इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। यहाँ पे पॉइंट समझिएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा तो होगा, ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स, प्लांट सेम होगा स्टूडेंट लेकिन एनदर फ्लावर होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ऑटोगैमी में क्या हो रहा था कि एक ही फ्लावर था, उसी फ्लावर का जो होता है पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा था, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एनदर फ्लावर है, ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि अब फ्लावर तो डाइग्राम नहीं बन पा रहा स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यह कोई एक फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है, ठीक है, और उसके बाद जो होता है कि ये कोई फ्लावर है, ये दोनों फ्लावर्स आप देख रहे हैं एक ही प्लांट पे हैं, ठीक है, सेम प्लांट। मान लीजिए कि ये जो होता है स्टूडेंट, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, ये एक फ्लावर्स हो गया और एक फ्लावर से हो गया, ठीक। अब इसका जो होता है पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर चला जाएगा, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट क्या है कि एनदर फ्लावर, यानी क्या स्टूडेंट, एनदर फ्लावर लेकिन आप द सेम प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स क्या सेम है। अगर इस तरह का कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का पॉलिनेशंस होगा, तो उसे आप क्या कहते हैं, जिटेनोगैमी कहते हैं। इट इज़ द फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशंस, ठीक है स्टूडेंट, ये फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशंस होता है, इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इसमें जो होता है स्टूडेंट पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी कि ऐसे एजेंट जो पॉलिनेशन कराते हैं वह इन्वॉल्व होंगे। यहाँ से जो होता है स्टूडेंट, कोई भी जो होता है इंसेक्ट बैठ करके जो होता है उड़ करके आएगा और यहाँ पे आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि पॉलन ग्रेन जो होता है स्टूडेंट आ जाएगा स्टिग्मा पर, यानी कि ये एक तरह का क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन हम इसको पढ़ते किस में है, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं सेल पॉलिनेशन में, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो पॉलन एजेंट होते हैं स्टूडेंट वह इन्वॉल्व हो रहा है, बट इट इज़ होता है जेनेटिकली सिमिलर, लेकिन क्या होगा स्टूडेंट कि जेनेटिकली सिमिलर होगा टू ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट्स। इसमें देखिए क्या, जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेम प्लांट्स है स्टूडेंट, एक ही प्लांट्स है, एनदर फ्लावर है, तो क्या होगा, जेनेटिकली वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको ऑटोगैमी और जो होता है कि जिटेनोगैमी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए। उसके बाद देखिए क्या आपका नेक्स्ट, जीनोगैमी, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, देखिए आपका क्या है, जीनोगैमी स्टूडेंट जो होता है आपका किस में पढ़ाया जाता है, इसको आपको क्रॉस पॉलिनेशन में पढ़ाया जाता है, फुल्ली क्रॉस, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में पढ़ाया जाता है जीनोगैमी। इट इज़ ए, देखिए क्या, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट,
ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ब्लैक कलर जो था बोल्ड कर दिया स्टूडेंट। देखिए क्या डिफरेंट प्लांट्स, जीनोगेमी में क्या होगा डिफरेंट प्लांट्स, जबकि आप इससे पहले देख रहे थे क्या था प्लांट सेम था, लेकिन इसमें क्या हो रहा प्लांट डिफरेंट हो रहा। तो जीनोगेमी में आप देखिए क्या है कि ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा फ्रॉम जो था एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स, ठीक, यानी कि अलग अलग प्लांट्स, जैसे मान लीजिए एक प्लांट से यहाँ पे एक प्लांट से यहाँ पे है, तो इस प्लांट्स का जो होता है स्टूडेंट आप पॉलन ग्रेन ले लीजिए और इस प्लांट्स में जो होता है कि आप स्टिग्मा ले लीजिए, तो इसका पॉलन ग्रेन इस प्लांट के जो होता है स्टूडेंट जो होता है कि स्टिग्मा पर जाएगा, डिफरेंट प्लांट्स होता है कि आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का पॉलिनेशन होगा जिसमें आप कह रहे हैं कि जीनोगेमी, ठीक, एक क्रॉस पॉलिनेशन में आपका आता है। इट ब्रिंग द जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, इसमें क्या होगा जेनेटिकली आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, जेनेटिकली डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपका प्लांट्स है और ये आपका प्लांट्स है, दो प्लांट्स हो गए, यानी कि होगा डिफरेंट प्लांट्स है स्टूडेंट। तो इसमें क्या होगा कि आपको जेनेटिकली डिफरेंट कंडीशन आपको देखने को मिलता है, यानी कि वेरिएशन देखने को मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए क्या पॉलिनेशन में स्टूडेंट, देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप पूरी तरह से अपने माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीन पर देखिए कि मैं पेन कहाँ पर जो होता है स्टूडेंट चला रहा हूँ और मेरे वॉइस को जो होता है स्टूडेंट आप सुनने की कोशिश करिए, ठीक है। आपको मैंने जो होता है कि पॉलिनेशन बताया, मैं फिर से आप देखिए जो होता है, देखिए आपको मैंने जो होता है स्टूडेंट क्या बताया, मैंने आपको जो होता है पॉलिनेशन बताया। पॉलिनेशन में आपने देखा क्या ऑटोगैमी, यानी कि आपको पॉलिनेशन का टाइप मैं बताया हूँ कि आपका सेल पॉलिनेशन होता है और क्या होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल पॉलिनेशन में आपका ऑटोगैमी भी आता है, ऑटोगैमी में दो तरह का फ्लावर्स होते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर्स और क्रिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपका जिटोनोगैमी है, जिटोनोगैमी स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये भी आपका किस में आता है सेल्फ में आता है, और आपका जीनोगेमी किस में आता है क्रॉस में आता है। तो यानी कि फाइनली जो होता है स्टूडेंट आपको पॉलिनेशन का टाइप मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, देखिए क्या पॉलिनेशन जो हो रहा है जिसको आप कह रहे हैं कि ट्रांसफर जो होता है स्टूडेंट एंथर जो होता है स्टूडेंट जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर टू द स्टिग्मा दैट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। तो आप देखिए क्या है कि यानी कि जो ट्रांसफर हो रहा है वह कोई ना कोई जो होता है एजेंट करा रहा, कौन करा रहा है स्टूडेंट एजेंट करा रहा। एजेंट का मतलब क्या है, एजेंट का मतलब है स्टूडेंट कि कोई ना कोई चीज़ इन्वॉल्व हो रहा, किसी न किसी माध्यम से वो ट्रांसफर हो रहे हैं अगर। तो देखिए क्या है, इसी को हम कह रहे हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। देखिए दो तरह का एजेंट्स होते हैं हमारे पास, एक बायोटिक होता है और एक एबायोटिक होता है। एबायोटिक एजेंट्स में क्या आता है स्टूडेंट, एबायोटिक एजेंट्स वह होते हैं, जैसे एबायोटिक का मतलब आपको पता होगा, ये बायोटिक जो होगा आपको पता होगा कि इसमें हम नॉन लिविंग को कंसिडर करते हैं, और बायोटिक में जो होता है स्टूडेंट किसको कंसिडर करेंगे हम लोग लिविंग थिंग्स को कंसिडर कर लेते हैं। तो ये बायोटिक में जैसे देखिए कि आपका विंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, हवा हो गया और पानी हो गया स्टूडेंट, ठीक। हवा पानी कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता होगा, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कभी ऐसा फील करिएगा कि आपको नहीं मिल रहा, फिर आपको देखिए क्या होगा कि आपका दम घुटने रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देखिए क्या है कि एबायोटिक जो होता है एजेंट्स में आपका विंड आता, वाटर आता, पहले हम एबायोटिक कंसीडर को स्टडी कर लेते हैं। देखिए कर अब पॉलिनेशन बाय विंड, अगर जो होता हवा के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसको हम एनिमोफिली, एक टर्म है स्टूडेंट बायोलॉजिकल टर्म है एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब क्या होता है कि पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा स्टूडेंट, एयर से होगा, किसके द्वारा होगा एयर से होगा, उसको आप क्या कहते हैं एनिमोफिली कहते हैं। देखिए पॉलिनेशन बाय विंड एनिमोफिली मोर कॉमन जो होता एबायोटिक एजेंट है स्टूडेंट। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा भी है नीट में स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए एबायोटिक एजेंट में अगर पूछा जाए मैक्सिमम, ठीक है, पॉलिनेशन कौन कराता है तो आप क्या कहेंगे, मैक्सिमम पॉलिनेशन जो होता है स्टूडेंट आपका विंड कराता है, क्या कराएगा विंड कराता है, ठीक है। करा देखिए विंड पॉलिनेशन जो होता है पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफ्टेन हैव ए सिंगल ओबिल्स स्टूडेंट। देखिए क्या है सिंगल ओबिल्स, यानी कि ऐसे फ्लावर्स जिसमें पॉलिनेशन जो होता है कि विंड से होगा हवा से होगा, उनके पास जो होता है सिंगल ओबिल्स होता है इन ईच ओबरी, हर एक ओबरी में कितने होंगे सिंगल जो होता है ओबिल्स होते हैं। एंड करा कि नंबर्स न्यूमरस होता है कि फ्लावर्स पैक इनटू द इनफ्लोरेसेंस। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि ये क्लस्टर फॉर्म में आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे क्लस्टर फॉर्म में कहेंगे, यानी क्या हो रहा है स्टूडेंट न्यूमरस फ्लावर्स बहुत से फ्लावर्स मिल करके जो होता है एक इन्फ्लोरेसेंस बना रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस है, वही मैं कह रहा हूँ क्लस्टर फॉर्म में फॉर्मेशन हो जाता है। करा एग्जांपल देखिएगा आपका, एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट आपका क्या है कॉर्न क्रॉप कह रहा है, कह रहा है कि द टेसल्स आर द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच जो होता है वेव इन द विंड टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स, विंड पॉलिनेशन जो होता है इज क्विट द कॉमन इन ग्रासेस। अब देखिए स्टूडेंट क्या है यहाँ पे एग्जांपल दिया क्या है, ये मेज को बता रहा है स्टूडेंट, मेज मक्के को बता रहा,
किसको बता रहा, मेज़, मेज़ का जो होता है स्टूडेंट, इसमें एग्जांपल दिया हुआ, देखिए किसको कह रहा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए अगर अब जो होता है कि मक्का खाए होंगे तो आपको पता होगा, देखिए आप देखते हैं जैसे मान लीजिए प्लांट्स है, यहाँ पर आप देखिए इस तरह से जो होता है कि मक्का लगा हुआ, ठीक है मेज़ है, तो आप देखिए यहाँ पर इस तरह से जो होता है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, यहाँ से मिलता है ना, इसी को क्या कहते हैं, इसी को जो होता है स्टूडेंट जो होता है टेसेल्स कह रहे हैं, TASELS टेसेल्स कह रहे हैं इसको, इसी को ये देखिए इसी को कह रहे हैं, ठीक है इसी को हम क्या कह रहे हैं, टेसेल्स कह रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्या है, जैसे देखिए कह रहा कि स्टाइल विच वेव जो होता है इन द विंड, अब देखिए क्या है कि ये जो होता है विंड में आपको पता है हवा में लटकता रहता है, ये क्या करता है पॉलिन ग्रेन को ट्रैप करने का काम करता है, पॉलिन ग्रेन जब क्या होगा उड़ करके आएगा तो ये क्या करता है उसे ट्रैप कर लेता है, ठीक है, यानी कि पॉलिन ग्रेन उसमें रुक जाता है और पॉलिनेशन होने के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसका कह रहा है कि विंड पॉलिनेशन जो होता है कि आप जो होता है कॉमन ग्रासेज, यानी बहुत से ग्रासेज हैं स्टूडेंट जिसमें देखेंगे कि उनमें भी पॉलिनेशन किससे होता है, विंड से होता है, ठीक, तो विंड पॉलिनेशन जो होता है कि आप ग्रासेज में भी देख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट स्टूडेंट, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए तुरंत, मैं आपके हर एक लाइन को, आप NCERT का बुक उठा के देखिएगा, हर एक लाइन को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा कि मैं आपको पढ़ा दूँ और NCERT में दिया हुआ है और जो होता है कि उसके बाद अगर NCERT में नहीं दिया हुआ है तब भी जो होता है स्टूडेंट एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ ना कुछ पढ़ा देता हूँ। जैसे देखिए क्या स्टूडेंट कह रहा है कि वेव्स फॉर द इफेक्टिव पॉलिनेशन, अब देखिए क्या स्टूडेंट कि इफेक्टिव पॉलिनेशंस क्या है, यानी क्या होगा स्टूडेंट कि जो आप देखते हैं कि विंड पॉलिनेशंस हो रहा है, विंड आपका एक तरह से पॉलिनेशन करा रहा है, तो क्या इफेक्टिव क्या कंडीशन, देखिए फ्लावर्स प्रोड्यूस, यानी कि ऐसे फ्लावर्स जिसमें क्या होता है विंड पॉलिनेशंस होगा, वह फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ पॉलन, इनॉर्मस का मतलब क्या स्टूडेंट कि लार्ज अमाउंट में, अधिक मात्रा में जो होता है पॉलन्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट बहुत से ऐसे पॉलेंस होंगे जो क्या हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि एंथर से जितना जो होता है पॉलन ग्रेन निकला हुआ हर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचे, ऐसा नहीं है, इसीलिए क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में यानी कि नॉर्मस अमाउंट्स में जो होता है स्टूडेंट क्या करेंगे फ्लावर्स पॉलन को प्रोड्यूस करते हैं। करा पॉलन ग्रेन्स जो होता आर लाइट होगा एंड नॉन स्टिकी, ये पॉइंट याद रखिए, जो भी क्या होगा पॉलन ग्रेन्स होगा जिसमें विंड पॉलिनेशंस हो रहा है उसका जो पॉलिन ग्रेन होता है स्टूडेंट वो लाइट होगा, लाइट का मतलब क्या होता है वेट में क्या होगा हल्का होगा, नॉन स्टिकी होता है वह नॉन स्टिकी होगा, ठीक है, अगर स्टिकी रहेगा चिपक जाएगा, इसलिए क्या होता है नॉन स्टिकी होता है। दे ऑफ्टन होता है पॉसेस वेल एक्सपोज स्टेमेंस फॉर इजी डिप्रेशन ऑफ द पॉलेंस इन टू द विंड करंट, इससे क्या होता है स्टूडेंट देखिए कि मैक्सिमम आप देखेंगे कि स्टेमेंस होता है क्या होगा करा वेल जो होता है एक्सपोज बाहर की तरफ होगा, जिससे क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे ही क्या होगा कि अगर जो होता है कि विंड चल रही है हवा चल रहा है तो उससे क्या होगा कि जो पॉलेंस होता है वह जो होता है कि उसे अंतर से निकल जाए, या फिर आप कह सकते हैं एक तरह का डिसेंस मैकेनिज्म हो जाए, डिस्पर्सन हो जाए, ठीक है, ये सब आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। करा कि लार्ज होता है देखिए क्या होगा वह लार्ज होगा फेदरी स्टिग्मा, यानी कि स्टिग्मा आप देखेंगे लार्ज होता है फेदरी कंडीशन में होगा, स्टिग्मा टू ट्रैप द एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन्स, यानी कि जो स्टिग्मा होता है स्टूडेंट आप स्टिग्मा आप देखेंगे, ठीक है, स्टिग्मा आप जो देखेंगे इस पर क्या होता है ये आपका फेदरी होगा, जिससे क्या होता है कि कोई भी जो होता है पॉलन ग्रेन अगर आएगा उड़ते हुए आ रहा है एयर बॉर्न जो होता है पॉलन ग्रेन है तो तुरंत क्या करेगा वहाँ पर जा करके चिपक जाएगा, ठीक है, इसलिए क्या होता है कि ये फीचर्स आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, मान लीजिए अगर आप वाइवा देने जा रहे हैं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, एग्जामिनर ने कि आप ये बताइए कि जो पॉलिनेशन यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें क्या होता है कि एयर से पॉलिनेशंस होते हैं विंड से पॉलिनेशंस होते हैं उसमें जो आप देखेंगे कि उनका स्टिग्मा जो होता है फेदरी होता है, क्यों होता है, ताकि जो होता है पॉलिन ग्रेन को ट्रैप कर सकें। अब आइए कह रहा है कि नेस्ट आते हैं थोड़ा स्टूडेंट इसको स्लाइड करते ऊपर, देखिए कह रहा कि पॉलिनेशन बाय वाटर नेस्ट, मैंने जो होता है स्टूडेंट एयर से पॉलिनेशन आपको बता दिया जिसको क्या कह रहे थे एनिमोफिली कह रहे थे, क्या कह रहे थे एनिमोफिली कह रहे थे। अब आइए पॉलिनेशन जो होता है बाय वाटर, ठीक है स्टूडेंट, वाटर से जो होता है स्टूडेंट पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या टर्म देंगे, उसको हम टर्म देते हैं स्टूडेंट हाइड्रोफिली, क्या कहेंगे हाइड्रोफिली, उसको हम एनिमोफिली कह रहे थे जो एयर से हो रहा था, जो वाटर से होगा उसको हम क्या कहेंगे उसको हाइड्रोफिली पॉलिनेशंस कह रहे हैं, यानी किससे होगा वाटर मीडियम से होगा, वाटर से होगा। स्टूडेंट देखिए NCERT की लाइन है,
वैसे भी आपको बता दूं, देखिए जो आपका एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया और आपका टेडोफाइट्स हो गया, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट्स, इन सब में जो होता है पॉलिनेशन वाटर से होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि जिम्नोस्पर्म है, उसके बाद जो होता है एंजियोस्पर्म है, ठीक। तो अब देखिए क्या है, कह रहा है कि इट इज़ द क्यूट रेयर, ऐसा रेयर कंडीशन है, इट इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरा, मोस्टली मोनोकॉटलीडांस। यानी क्या स्टूडेंट, कि जो आप एंजियोस्पर्म देखते हैं, एंजियोस्पर्म में 30 जनरा एनसीईआरटी बात कर रहा है अबाउट, कि 30 जनरा मोस्टली जो मोनोकॉटलीडांस होते हैं उसमें पॉलिनेशन वाटर से होगा, किससे होगा, वाटर से होगा। जैसे देखिए क्या है, वेलिसनेरिया हाइड्रिला स्टूडेंट जो होता है फ्रेश वाटर में मिलेगा हाइड्रिला, ठीक है। कह रहा है कि वेलिसनेरिया और हाइड्रिला जो होता है स्टूडेंट प्लांट्स है, जोस्टेरा मैराइन में पाया जाएगा, जो कि सी ग्रास होता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्या, सी वीड्स और सी ग्रास दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक। तो सी वीड्स आप याद रखिएगा कि जो जोस्टेरा होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, सी ग्रासेस कहते हैं, ये आपका मैराइन कंडीशंस में मिलेगा। वेलिसनेरिया हाइड्रिला आपको फ्रेश वाटर में मिल जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इनका जो पॉलिनेशंस होता है वह किससे होगा, वाटर से होगा, जिसे आप क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहेंगे, आईएनएस्ट। करा कि बट इन लोअर प्लांट्स, जो लोअर प्लांट्स होते हैं, वाटर इज़ अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमिट्स। देखिए क्या स्टूडेंट, जो लोअर प्लांट्स होंगे उसमें क्या होता है, मेल गैमिट्स का जो होता है कि अगर ट्रांसपोर्ट होना है तो उसमें जो होता है वाटर की रिक्वायरमेंट होना होता ही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ब्रायोफाइट्स, देखिए यहाँ पे मैं जो यहाँ बताया हूँ, ये चीज़ यहाँ मेंशन किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ब्रायोफाइट्स टेडोफाइट्स इज लिमिटेड। यानी क्या स्टूडेंट, कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेडोफाइट्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, बिकॉज दे नीड वाटर, क्योंकि उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमिट्स एंड जो होता है फर्टिलाइजेशन। यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट्स आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वाटर की नीड होती है इसमें। क्यों होता है, क्योंकि इनका मेल गैमिट्स होता है स्टूडेंट, वाटर के हेल्प से क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करता है, तब जाकर क्या होगा स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ तक कोई डाउट स्टूडेंट, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आइए, मैं बार बार आपसे कर रहा हूँ, कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट, आपके हर एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि वेलिसनेरिया पाइएगा, कह रहा वेलिसनेरिया जो होता है द फीमेल फ्लावर्स रीच द सरफेस ऑफ द वाटर। ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि जो वेलिसनेरिया प्लांट्स है, फीमेल फ्लावर यानी कि उसका जो फीमेल फ्लावर्स होता है रीच द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है आपका वेलिसनेरिया, और इसका आप देखेंगे कि ये जो फीमेल फ्लावर्स होगा ये रीच द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, ये वाटर ले लीजिए, ये वाटर है, रीच द सरफेस ऑफ द वाटर बाय द लॉन्ग स्टाल, इसका जो स्टॉक होगा क्या होगा स्टूडेंट, लॉन्ग होता है, एंड मेल फ्लावर्स और पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब देखिए क्या है कि जो मेल का जो होता है स्टूडेंट फ्लावर्स होगा, मेल फ्लावर्स होगा, ठीक है, और जो पॉलन ग्रेन होता है वह रिलीज किए जाते हैं। आप मैं कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये जो होता है कि मेल का पॉलन ग्रेन होगा ये रिलीज किया जाता है सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, वाटर के सरफेस पर रिलीज कर दिया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि जो फीमेल फ्लावर्स है स्टूडेंट वह रीच द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि वाटर के सरफेस पर फ्लावर्स है, पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिया गया सरफेस ऑफ द वाटर, जिससे क्या होगा कैरी करेगा और यहाँ पॉलिनेशन होगा। कर दे आर द कैरिड बाई वाटर करंट, आप देखिए क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है, वाटर फ्लो करते हैं, ठीक है, तो वाटर करंट से क्या होगा एंड रीच द फीमेल फ्लावर्स, वो कहाँ पहुँच जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे स्टूडेंट जो होता है पॉलन ग्रेन अगर रिलीज किया गया है तो ये बहते हुए जाएगा और जो होता है कि ये फाइनली पहुँच जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, फीमेल फ्लावर तक पहुँच जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा स्टूडेंट पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि इन सी ग्रासेस में आप देखिएगा, ठीक है, जिसको आप जोस्टेरा कह रहे थे, फीमेल फ्लावर रिमेन्स समर्स इन वाटर। समर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, समर्स का मतलब है स्टूडेंट कि वाटर में आपको देखने को मिलेगा फीमेल फ्लावर्स, पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग होता है एंड रिबन लाइक होगा इसका पॉलन। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिबन लाइक पॉलन ग्रेन किसका होगा, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है रिबन लाइक पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, रिबन लाइक पॉलन ग्रेन किसका होगा, तो आप क्या कहेंगे सी ग्रास, ठीक है, ऑप्शन में आपको दे देगा, आपको जो होता है सी ग्रास पे क्लिक करना होगा, रिबन लाइक पॉलन ग्रेन्स। करा कि दे आर जो होता है कैरिड इन साइड द वाटर, यानी कि क्या होगा स्टूडेंट कि वाटर जो होता है कैरी करता है इन साइड द वाटर एंड जो होता है रीच द स्टिग्मा, और फाइनली कहाँ पहुँचेगा वह स्टिग्मा तक पहुँच जाता है, ठीक है, जिससे क्या होगा पॉलिनेशन हो जाएगा। हमको करना क्या स्टूडेंट, देखिए इस पूरे जो टॉपिक उठाया गया है, इस टॉपिक में आपको बता दूँ हर जगह क्या करना है कि हमको पॉलन ग्रेन को किसी भी तरह जो होता है स्टिग्मा तक पहुँचा देना है, उसी को पॉलिनेशन करें। अब जो होता है अलग अलग स्टेप, अलग अलग प्रोसेस में आपको चीज़ मिल रहा है देखने को।
चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा था पॉलन ग्रेन्स होता है कि आप मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज, पॉलन ग्रेन्स होता मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज हैव द म्यूसिलिजिनस कवरिंग टू प्रोटेक्ट द फ्रॉम द वेटिंग। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, जितने भी स्पीसीज आप देख रहे हैं, कह रहा कि वह म्यूसिलियस से कवरिंग किया हुआ है। क्यों? जैसे मान लीजिए कि ये पॉलन ग्रेन है, अब इस पॉलन ग्रेन के ऊपर अगर म्यूसिलेज नहीं रहेगा, ठीक है, तो वाटर में क्या होगा, जल्दी ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जल्दी क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसीलिए क्या किया हुआ स्टूडेंट कि इसके ऊपर नेचर ने क्या किया है कि म्यूसिलेज का कवरिंग किया हुआ पॉलन ग्रेन के ऊपर। करा कि नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर हाइड्रोफिली, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी एक्वेटिक प्लांट्स होता है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं सब में पॉलिनेशन होता है वाटर से ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि हाइड्रोफिली नहीं होता है। इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स, कुछ ऐसे भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जैसे देखिए क्या है कि वाटर हाइसियंथ, वाटर लिली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, एग्जाम्पल है, क्या है, वाटर हाइसियंथ हो गया, वाटर जो होता लिली हो गया, द फ्लावर्स इमर्ज होता एबव द लेवल ऑफ द वाटर और फॉर एंटमोफिली और एनिमोफिली। अब देखिए क्या, कुछ एक्वेटिक प्लांट तो होते हैं स्टूडेंट, लेकिन उनका फ्लावर देखेंगे कि जो वाटर मीडियम, जो वाटर होता है वाटर सरफेस से काफ़ी ऊपर हो जाते हैं, तो वाटर सरफेस से ऊपर हो जाएंगे तो क्या होगा, पॉलिनेशन जो होता है कि वाटर से होगा नहीं, तो उसमें पॉलिनेशन पार्टिसिपेट कौन करता है, एंटमोफिली, एंटमोफिली का मतलब या तो इंसेक्ट से हो या तो एनिमोफिली यानी कि एयर से हो, किससे हो, एयर से हो, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी एक्वेटिक प्लांट्स में क्या हो स्टूडेंट कि पॉलिनेशन जो होता है कि वाटर मीडियम से, कोई ज़रूरी नहीं है। कह रहा है कि विंड जो होता है एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी, देखिए कह रहा है कि जो विंड एंड वाटर पॉलिन यानी कि ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे फ्लावर्स जिसमें क्या होता है कि पॉलिनेशन हवा से होगा या फिर वाटर से होगा, नॉट वेरी कलरफुल, उनको आप देखेंगे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, ठीक है, डू नॉट प्रोड्यूस द नेक्टर, वह जो होता है नेक्टर को भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं, तो कलरफुल क्यों नहीं होते हैं भाई, अब भाई जो होता है उन्हें जो होता है अट्रैक्ट तो करना नहीं है, यानी कि वाटर को अट्रैक्ट, ऐसा तो है नहीं कि वाटर जो होता है कि लिविंग थिंग्स है और जो होता है कलरफुल फ्लावर देख करके वहाँ चला जाएगा इंसेक्ट की तरह, ऐसा तो है नहीं। एयर भी जो होता है कि आपका ऐसा नहीं है कि जो कलरफुल फ्लावर है वहाँ पर जो होता है एयर पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक, यानी क्या है कि इसलिए क्या होता है जो फ्लावर्स होते हैं वह कलरफुल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, कलरफुल होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट क्या है कि ए बायोटिक पॉलिनेशन जो होता है, ए बायोटिक एजेंट मैंने आपको बता दिया कि ए बायोटिक एजेंट्स कौन कौन से हैं, और जो होता है कि ए बायोटिक पॉलिनेशन जो होता है स्टूडेंट, जैसे वाटर हो गया और आपका क्या हो गया, एयर हो गया, ठीक है, इनसे कैसे आपका हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आइए स्टूडेंट जो होता है कि अब बायोटिक एजेंट पर कंसिडर कर लेते हैं, बायोटिक एजेंट को टॉपिक को देख, यहाँ तक स्टूडेंट कोई डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, ठीक है, तुरंत जो होता है स्टूडेंट उसका आपको आंसर मिल जाएगा। मैक्सिमम कोशिश करिए स्टूडेंट क्या है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव में जो होता है स्टूडेंट इसको शेयर कीजिए, ठीक। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट जो होता है कि हम लोग अब बायोटिक एजेंट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बायोटिक एजेंट्स की। बायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि ऐसे एजेंट्स होंगे जो लिविंग थिंग्स होते हैं और ये जो होता है कि आपका पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जिसको आप बायोटिक एजेंट्स कह रहे हैं, जैसे आपका इसमें एनिमल्स आ रहे हैं। करा देखिए मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज द एनिमल्स एज द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, मैक्सिमम जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट उसमें मैक्सिमम जो पॉलिनेशंस होता है वह क्या करते हैं कि एजेंट्स कोई ना कोई उसमें यूज करेंगे। करा कि एग्जांपल देखिएगा, जैसे बी है आपका, बटरफ्लाई है, फ्लाई है, बीटल्स है, और उसके बाद आपका वेब्स है, एंट है, मॉथ है, प्लस आपका बर्ड्स है, ठीक है, सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, इतना आप देख रहे हैं, सब एग्जांपल आपको बताया जा रहा है कि कहीं कहीं जो होता है स्टूडेंट कि बायोटिक एजेंट की तरह काम करते हैं और ये पॉलिनेशन कराते हैं। बर्ड्स होता है प्राइमेट्स हो गया, जैसे आपका लेम्यूर्स हो गया, ठीक है, एरबोरल हो गया आपका, ट्रीज होता है डेलिंग पाए जाते हैं, रोडेंट हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है स्टूडेंट, और उसको आप लिजर्ट्स आप देखिए, गार्डन लिजर्ट देखिए, ये सब जितना एग्जाम्पल देख रहे हैं सब ऐसे हैं स्टूडेंट जो क्या करते हैं बायोटिक एजेंट्स में आते हैं, एग्जाम्पल जो होता है स्टूडेंट आप लर्न कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। करा कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, अब देखिए क्या, अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम एक टर्म देते हैं एंटमोफिली, क्या कहते हैं, एंटमोफिली कहते हैं, यानी कि एंटमोफिली पॉलिनेशन है। करा कि पर्टिकुलरली बी इज द मोर कॉमन, जिसमें आप देखेंगे कि जो बी होती है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन्स होती है, ये पॉलिनेशन कराती है इंसेक्ट में,
ठीक, मैक्सिमम पॉलिनेशन जो होता है इंसेक्ट में अगर देखेंगे मैक्सिमम पूछा जाएगा, तो आप वी जो होता है ऑप्शन आ दिया हुआ, तो वी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। करा कि आफ्टर फ्लावर्स आप एनिमल पॉलिनेटेड, करा कि आफ्टर देखिए फ्लावर्स आप जो होता है एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर जो होता है स्पेसिफिकली अडॉप्ट फॉर द पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स। कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, देखिए ये फीचर्स है, क्या आपका फीचर्स है, कह रहा है कि फीचर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर्स, क्या फीचर्स होते हैं यानी कि उस फ्लावर्स का क्या फीचर्स होगा जिसमें क्या होता है इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है। वह फ्लावर्स लार्ज होगा ताकि इंसेक्ट को इजीली दिखाई दे दे, कलरफुल होता है स्टूडेंट, कलरफुल इसीलिए होता है जितना कलरफुल रहेगा कलरफुल होता है जिससे क्या करता है इंसेक्ट उसे देख करके उसकी तरफ आकर्षित होगा, ठीक है, अट्रैक्ट होता और वहाँ फ्लावर्स पे जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप फ्रेग्रेंट्स होंगे एंड रीच इन नेक्टर कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, उसमें नेक्टर्स भी पाया जाता है। नेक्टर एंड जो होता है पॉलिन ग्रेन्स आर द फ्लोरल रिवार्ड्स फॉर पॉलिनेशंस। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि जो नेक्टर्स देखते हैं जो पॉलिन नेक्टर एंड पॉलिन ग्रेन्स आर द फ्लोरल रिवार्ड्स फॉर द पॉलिनेशंस। बेसिकली कोई भी इंसेक्ट नेक्टर की वजह से नहीं जाता है, वो जाता किसे स्टूडेंट जो होता है कि फ्लावर्स को देख करके, फ्लावर्स के जो होता है कलरफुल देख करके फ्लावर्स को वहाँ पे जाता है, उसके बाद वहाँ पे उसको नेक्टर मिल जाता है, रिवार्ड्स पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है। करा कि स्मॉल फ्लावर्स जो होता है फॉर्म इनफ्लोरेसेंस टू मेक देम विजुअल। स्टूडेंट क्या होगा स्मॉल फ्लावर्स होता है जिसमें क्या होगा कि मिल करके इन्फ्लोरेसेंस बनाते, यानी देखिए क्या है जो स्मॉल फ्लावर्स होगा तो वह काफ़ी ज़्यादा क्लस्टर बना लेगा, क्लस्टर बना लेगा जिससे क्या होगा ये क्लस्टर बन गया, अब ये बड़ा हो गया साइज में आपको, जिससे क्या होता है कि इंसेक्ट इजली उसे देख लेता है विजुअल कंडीशन में होगा। फ्लावर्स होता कि फ्लावर्स होता है पॉलिनेटेड होंगे बाई फ्लाई, फ्लाई से पॉलिनेशन होता एंड वेटल सिक्रीट द फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये पॉइंट जो होता है इंपॉर्टेंट है। करा कि द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाई फ्लाई, यानी कि ऐसे फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन जो होता है फ्लाई से होगा या फिर विटल से होता है, वह फ्लावर सिक्रीट करते फाउल ऑर्डर्स, ठीक है, वह अट्रैक्ट करता है एनिमल्स को। दीज पॉलिन ग्रेन्स आर जनरली जो होता है स्टिकी, इनका जो पॉलिन ग्रेन्स क्या होगा स्टूडेंट वह स्टिकी होता है, जबकि आप देखिएगा ये बायोटिक में स्टूडेंट जो होता है कि आपको मैं बता रहा था कि उसमें नॉन स्टिकी कंडीशन देखने को मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या है स्टिकी होगा, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट मैंने आपको बायोटिक और जो होता है सॉरी ए बायोटिक और आपको बायोटिक एजेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, ए बायोटिक जो होता है स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आप बैक करके जो होता है स्टूडेंट देख सकते हैं। इससे प्रीवियस जो होता है कि स्टूडेंट इससे प्रीवियस वीडियो भी आपको लिंक में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर प्रीवियस वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ भी जो होता है स्टूडेंट मेंशन में किया हूँ। चलिए नेक्स्ट आइए, उसके बाद आप देखिए क्या है, देखिए कह रहा है कि व्हेन द एनिमल्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द एनदर्स सॉरी एंथर्स एंड द स्टिग्मा, कह रहा है कि व्हेन एनिमल्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर और स्टिग्मा इज बॉडीज होता गेट पॉलिन ग्रेन्स, ठीक, व्हेन इट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इट रिजल्ट इन द पॉलिनेशन। होता क्या स्टूडेंट जब कोई भी एनिमल्स जो होता है किसी भी एंथर के कंटेक्ट में आता है और उसके बाद जो होता है स्टिग्मा पे जा रहा है तो होता क्या है कि उसकी बॉडीज जो होता है अटैच हो जाता है, पॉलिन ग्रेन्स क्या करेगा एनिमल्स की बॉडी से अटैच हो जाएगा। जब वह पॉलिन ग्रेन्स होता है कि स्टिग्मा कंटेक्ट में जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है पॉलिनेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। करा कि सम प्लांट्स प्रोवाइड करता सेफ प्लेस, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट जो सेफ प्लेस को प्रोवाइड करते हैं एज ए फ्लोरल्स रिवार्ड्स टू ले एग्स, यानी क्या है कि बहुत से ऐसे फ्लावर्स होंगे जो बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या होता है सेफ, ठीक है, प्रोवाइड करता है जिससे क्या होगा इंसेक्ट उसमें जाएगा और जो होता है एग जो होता है लेइंग करता है यानी कि अंडे दे देता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा कि एमॉर्फिलस, ठीक है, एमॉर्फिलस जो होता है स्टूडेंट एमॉर्फिलस जो होता है स्टूडेंट क्या है एक प्लांट्स एक फ्लावर्स है इसमें आप देख रहे हैं कि इट हैज़ द टॉलेस्ट फ्लावर्स 6 feet, ठीक है, सबसे बड़ा जो होता है स्टूडेंट आपको फ्लावर्स देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा आप नहीं कर सकते टॉलेस्ट होता है फ्लावर्स आपको देखने को मिलेगा जिसकी जो होता है स्टूडेंट देख रहे हैं आप 6 feet है फ्लावर्स। करा ये मोथ जो होता है स्पीसीज एंड द प्लांट्स, यानी कि एक मोथ जो होता है स्टूडेंट स्पीसीज है एंड प्लांट एक्का जो होता है प्लांट्स होता है, ठीक। करा कैन नॉट कम्प्लीट दियर लाइफ साइकिल्स विदाउट ईच अदर, ये दोनों जो होता है स्टूडेंट लाइफ साइकिल इनका कम्प्लीट नहीं होता विदाउट एक दूसरे की। दर मोथ जो होता है डिपोजिट इट्स एग, इसका मतलब मोथ क्या है मोथ जो होता है आपका एनिमल्स में आएगा एक का आपका प्लांट्स है, ठीक। करा मोथ जो होता है डिपोजिट इट्स एग इन द लोक्यूल्स ऑफ द ओवरी, ये पॉइंट देखिए क्या है,
मोथ क्या करता है, अंडे को दे देता है लोक्यूल्स ऑफ द ओबरी, ओबरी का जो लोक्यूल्स होता है उसमें जाकर देता है। एक का प्लांट्स आप देख रहे हैं, ठीक है, एक का प्लांट्स के अंदर जाएगा और उसके जो होता है ओबरी में जो आप लोक्यूल्स देख रहे हैं उस लोक्यूल्स में जो होता है जाकर के एक दे देता है। द फ्लावर गेट्स होता है पॉलिनेटेड बाई मोथ, जिससे क्या होता है फ्लावर्स होता है पॉलिनेशन हो जाता है मोथ से। करा द लार्वा, ठीक है, जैसे ही एक से लार्वा बनेगा कम्स, लार्वा क्या होता है कम्स आउट द एग्स एज द सीड स्टार्ट द डेवलपिंग, यानी कि जब जो होता है कि आप ओव्यूल्स के अंदर देख रहे हैं सीड का फॉर्मेशन होगा, तो सीड का फॉर्मेशन होने से पहले ही लार्वा क्या करेगा बाहर आ जाएगा, कम्स आउट, ठीक है, बाहर आ जाता है। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए। करा मेनी इंसेक्ट जो होता है कंज्यूम पॉलेंस, यानी कि बहुत से ऐसे इंसेक्ट होंगे जो पॉलेंस को क्या करते हैं कंज्यूम्स करते हैं। नेक्टर्स विदाउट द ब्रिंगिंग्स अबाउट द पॉलिनेशंस दे आर कॉल्ड द पॉलन नेक्टर रबर्स, ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं पॉलन या फिर नेक्टर रबर्स कहते हैं। स्टूडेंट जो होता है आई थिंक्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो होता है स्टूडेंट पॉलिनेशन से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। सीड बायोलॉजी आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इस चैनल को जो होता है कि थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके मुझे बताइए स्टूडेंट, ठीक है।